हाय, ज्ञान प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जिसमें से हम लोग अभ्यास प्रश्नावली का क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें से हम लोग काफी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखना है, तो 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 60 और 72, ठीक है, के महत्तम समापवर्तक क्या बताना है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बराबर होगा। दोनों का है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का क्या निकालना है। दो संख्याएं दी गई हैं, इनका लासा और मासा। लघुत्तम समापवर्तक मतलब लासा और महत्तम समापवर्तक मतलब क्या हो जाएगा आपका, मासा। लासा और मासा का गुणनफल क्या होता है, लासा और मासा का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। तो आप लोग जानते हो 21 नंबर 22 नंबर में, ठीक है, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लाशा गुणे मासा होता है, ठीक। देख लीजिए, लाशा गुणे मासा दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है लाशा और मासा का गुणनफल, ठीक। दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है, गलत है। दोनों संख्याओं के, ठीक है, संख्याओं के अंतर के बराबर है, ये भी आपका गलत है। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, यही आपका सही है, ठीक। दोनों संख्याओं के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। 22 के बाद 23 नंबर देखो, 23 नंबर का हल आपका क्या है, 6, 10 और 15 का क्या बताना है, लासा। 6, 10, 15 यानी कि इससे भी कटा है, इससे भी कटा है, इससे भी कटा हुआ, छोटी से छोटी संख्या। 30 के बाद तो छोटी है, देखो 6 से 6, 5, 6, 30, 10, 3, 15, 2, 30, यही हो गया आपका क्या आंसर, ठीक। लासा निकालना है किसका, 6 का 10 का 15 का, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 से काटेंगे, 2, 5, 10, 2, 3, 6 हो जाएगा, 2, 5, 10 हो जाएगा, 15 ऐसे आपका उतर जाएगा। 3 से काटेंगे आपका एक बार में, 3, 5, 6, 15, 3, 5 ऐसे रह जाएगा, 5 ही, 3, 5, 6, 15 1, 1, 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 3 × 5 यानी कि लाशा क्या हो जाएगा, लाशा, ठीक, लाशा आपका हो जाएगा 2 × 5, 10, 30, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, 24 नंबर क्या रहा है, इतना इतना का क्या बताना है, 2 के घाते आपका 25 घात में 3 है और 25 घात में 5 है और 25 घात में कितना है, 25 घात में क्या है आपका, क्या बताना है, लाशा बताना है। तो लाशा में क्या है, जो बड़ी घात होती है, जो सबसे अधिक बार लिखी होती है, वही आंसर होता है। तो 25 क्या है, सबसे अधिक बार लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक। आगे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20, 30 और 50 का मासा, 20, 30 और क्या निकालना है, 50 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो सबसे पहले 20 से 30 में भाग देंगे, 30 में 20 से 20 आपका कट जाएगा, 10 आएगा। अब 10 से किस में भाग देंगे, 20 में, 10 × 20 ये कट जाता है, तो 10 आया। 10 से अगर 50 कट रहा है तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। 10 से क्या करेंगे, भाग देंगे इसमें 50 में, 10 × 5, 50, ये क्या हो जाएगा आपका मासा 50। अच्छा, सीएफ बोलते हैं या इसी को मासा बोलते हैं, मासा बोलते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। 10 एक ऐसी संख्या है जिससे सब कट जाते हैं, ठीक। इसका आंसर ये हो गया है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या आपका 10, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाता है। इस प्रकार हम सभी क्वेश्चनों को क्या करते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार अभ्यास प्रश्नावली विगत वर्ष खत्म हो चुका है, केवल साधित द्रोण का चैप्टर बचा हुआ है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।